जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हम यहाँ पर सिल्वर के बारे में, क्या हो सकता है। कल जो है वो काफ़ी बढ़िया लंबी तेजी जो है वो दोस्तों हमने देखी थी इसके अंदर, और कल एक लेवल भी हमने चर्चा किया था यहाँ पर सिल्वर के अंदर कि ये 83,500 के ऊपर अगर ये चलता है, रुकता है, तो यहाँ पर जो है वो शॉर्ट वाली पोजीशनों में सावधान रहना चाहिए। तो वहाँ से दोस्तों देखे तो तकरीबन तकरीबन सिर्फ एक दिन में 1500 1600 पॉइंट जितनी बढ़त जो है वो देखने को मिल चुकी है। मंडे की बात करें तो मंडे को एक लक्ष्मण रेखा हमने नज़दीक की चर्चा करी थी 82,150, वो भी आपको शायद ध्यान होगा। तो वो लेवल से भी अगर हम ध्यान दें तो तकरीबन तकरीबन जो है वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो है वो 3,000 पॉइंट की बढ़त जो है वो देखने को मिल चुकी है। आज है फ्राइडे, आखिरी दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्लोजिंग के हिसाब से। तो हम जो है वो जानने का प्रयास करते हैं कि अभी आगे क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो मंदी के लिए सोच रहे हैं, दोस्तों जो जिनको मार्केट खराब लग रहा है उनके लिए अब क्या है ना कि इतनी सारी चीज़ें मार्केट जो है वो पूरा बता रहा है। हम भी लगभग पिछले 8-10 महीनों से चर्चा कर रहे हैं, जितने मेरी समझ उतने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो पोजिशनल शॉर्ट वाली पोजिशनों में सावधान रहना चाहिए। वो तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। इंट्राडे के हिसाब से, 2-4 दिन के हिसाब से, 10-12 दिन के हिसाब से वो सोचते हो, शॉर्ट टर्म का अलग है, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो मंदी दोस्तों आखिर मार्केट में नहीं दिख रही, हमारे मन में मंदी जरूर है। मतलब हम सोच रहे हैं कि खराब होगा, हम इसको आदेश देना चाहते हैं कि भाई तू खराब हो, तो ये कहीं ना कहीं जाके दिक्कत जो है वो हमें दे सकता है। अभी हम चर्चा कर लेते हैं पहले सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इसी की ही जो है वो हम आपको अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ से नज़दीक का जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 84,400 के आसपास, ठीक है। पहला नज़दीक का सपोर्ट है, डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस की भी बात कर लेता हूँ। लेकिन जो है वो दोस्तों अब ये जो बढ़िया तेजी हुई है, उससे पहले मैं आपकी 2 मिनट का वक्त लूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि आगे आपको आने वाले 4, 6, 8, 10 महीने के लिए काम आएगी, ठीक है। अगर आप इसको समझ पाओ तो, मान पाओ तो आपके ऊपर है, मैं खाली चर्चा करता हूँ, 2 मिनट का वक्त लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आप लाइव क्लासेस, तो आप सभी जानते ही है कि लाइव क्लासेस का जो है वो हम करते हैं महीने हफ्ते में 2 बार जो है। ये 6 तारीख का जो है वो दोस्तों मैसेज है, 6 तारीख मतलब आज हो गई 10 तारीख, मंडे का मैसेज है। सिल्वर ने 3 बार 80,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेकर उछाल दिया है। 82,150 एक बढ़िया रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर शॉर्ट वाली पोजीशन से सावधान रहना चाहिए। जैसे हमने लाइव क्लासेस में चर्चा करी थी कि जरूरी ना हो तो सावधान, मतलब शॉर्ट बहुत ही किसी को जरूरी ना हो तो नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। इतना एकदम साफ जो है वो भाषा में दोस्तों बताने की कोशिश करता हूँ। लाइव क्लासेस के अंदर भी जब हम जुड़ते तो भी एकदम सीधी सीधी बात करते, कोई घुमा फिरा के बात नहीं होती, जो भी होता है एकदम सीधा आईने की तरफ साफ होता है। गोल्ड की भी लक्ष्मण रेखा थी 71,550, ये आप भी जानते हो, पिछले 3 दिन से हम वही चर्चा कर रहे हैं, और आज गोल्ड भी 72,125-50 के आसपास आ चुका है। तो वहां से भी देखो तो भी 600 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। इसके ऊपर रुकने के बाद सावधान रहे, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। नेचुरल गैस का सपोर्ट ये है 170, ऊपर उछाल की भी बात करी, क्रूड का भी सपोर्ट ये है, वहां से क्रूड भी उछला, 8 तारीख को वापस से जो है वो मैसेज किया। रोज रोज मैसेज नहीं आता दोस्तों, जहां पर लगता है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकता है वहां पर मैसेज आता है। 8 तारीख मतलब परसों का मैसेज है कि गोल्ड में 575 और सिल्वर में 83,450, ये 2 लेवल के ऊपर क्या लिखा गया है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। डोंट शॉर्ट अबाउट दिस लेवल एज माई ओपिनियन, मेरा मानना है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, वो वापस से बता देता हूँ जो मुझे लगता है वो। और 83,450 आज कहाँ पर खड़े, 85,100 के आसपास, 8 तारीख, 2 दिन पहले की बात है। तो ऐसे साफ जहां पर अलर्ट लगता है अलर्ट देने की कोशिश करता हूँ, वहां पर डिटेल में ये तेजी क्यों बन रही है, ये तो आपको खाली मैसेज बताए, वहां पर क्यों बन रही है उसके कारणों की चर्चा करते हैं। मंदी आती है, करेक्शन आता है, तो क्यों आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, वहां पर टारगेट की भी बात करते हैं, बड़े टारगेट भी
वहां पर कल रात को ही लाइव किया है, तो कल रात को भी जो है वो हमने चर्चा करी थी। ये यस्टरडे, कल का मैसेज है लगभग 8 बजे के आसपास। सिल्वर नाउ 84,500, 84,500 के आसपास है। अगर हम ये लेवल के ऊपर 2-3 दिन रुक जाते हैं तो नया दौर शुरू हो सकता है, जो अभी आपको वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ। जो कि अभी 84,500 के आसपास हम रुक रहे हैं, अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो सिल्वर में नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, बड़ी वाली। अभी जो रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं वो ऑल टाइम हाई मान लेते हैं 86,000 के आसपास। 86,000 का लेवल काटते हैं तो अभी रेंज हो गई 84,400 से 86,000। अब नई तेजी दोस्तों शुरू करने से पहले 86,000 काटना पड़ेगा। अब जो भी दोस्त लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लाइव क्लासेस में क्या होता है, कैसे काम होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर लाइव क्लासेस सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसकी फीस दोस्तों 3 महीने की सिर्फ 12,000 है, और 3 महीने में हफ्ते में 2 बार हम जुड़ते हैं, लाइव क्लासेस भी करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मतलब महीने के सिर्फ 4,000 है, उससे कई गुना ज़्यादा तो आप ब्रोकरेज दे देते होंगे अगर समझो तो, ठीक है। ब्रोकरेज का पैसा उससे कई गुना होगा, उतना नहीं, उसे कई गुना आप दे देते होंगे। तो ये कुछ अलर्ट है, ताकि फीस कम रखने का कारण यही है दोस्तों, ताकि सभी दोस्त उसका बेनिफिट उठा सके, समझ पाए मार्केट को। जितना मेरा अनुभव है उतना आप लोगों को शेयर कर पाओ। बाकी यहाँ पर यूट्यूब में भी बताता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर नहीं बताता, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल चर्चा होती है, ठीक है। उनके कल रात को ही हमने बहुत जो है वो डिटेल में बात करी हुई है। कल रात को भी यहाँ पर जाते जाते बताया था कि भाई यहाँ पर शॉर्ट से सावधान रहना। अगर नहीं किया होता तो चलो मान लो दोस्तों, शॉर्ट नहीं किया होता तो अभी उसने इतना हाई लगाया 600 पॉइंट का, 18,000 तो ये बच गया। कोर्स की प्राइस है 12,000, 18,000 तो यहाँ पर ही बच रहा है। तो शॉर्ट ना करते, क्योंकि कल लालच आई होगी बहुत सारे लोगों की, भी इतना बढ़ चुका है ना 1,200 1,500, कल गैप डाउन खुलेगा 200 300 पॉइंट काट देंगे। लेकिन अगर ये ऐसा हिंट मिल जाए कि भाई ये यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, पैसा बचाना जरूरी है ये मार्केट में। मैं यही ट्राई करता हूँ कि आपका पैसा बच जाए, ठीक है। वहां पर फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप देख सकते हो कैसे कितना काम करना है। बात कर लेता हूँ फटाफट गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर भी 72,100 के आसपास जो है वो चल रहा है। अभी जो है वो हम सपोर्ट ध्यान में रखेंगे दोस्तों 71,450 के आसपास, थोड़ा सा दूर का ही सपोर्ट जो है वो ध्यान में लेते हैं। ये सपोर्ट कौन सा है, तो जहाँ से हमने ब्रेकआउट किया था। अब ये ऊपर में कहाँ पर जाएगा, तो भगवान मालिक है दोस्तों, कहाँ पर जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है ऊपर की, तो वहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी मित्सु जो है वो आपको बता सकता है कि कैसे क्या करना है। 6-7-8 का नियम है, बीबी का नियम है, वहाँ से आप छोटे छोटे टारगेट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। बाकी अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर में अभी जो ब्रेकआउट उसने किया है लक्ष्मण रेखा के ऊपर, अब उसको जो है वो अगर ऊपर जाना है तो बहुत ही स्पीड से जाना है, इतना संकेत मिल रहा है। स्पीड मतलब मान लीजिए कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको अगर जाना ही है वाकई में ये ऊपर, तो हफ्ते 10 दिन में कोई बड़ा खेल करेगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब आज 10 तारीख हो गई मई मंथ की, तो 20 मई तक जो है वो उसको कोई बड़ा खेल करना चाहिए। ऊपर की साइड में बात कर रहा हूं, अगर इसके मन में ऊपर ही जाना है तो उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा, जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक। सपोर्ट टूटता है नीचे जाता है तो बदलना पड़ेगा। जो दोस्त दोस्तों बदल नहीं पाते हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वही होंगे। चार्ट बदलते हैं तो उसके साथ हमें भी बदलना पड़ता है, हमें अपना ओपिनियन भी चेंज करना पड़ता है। इसी को ही जो है वो टेक्निकल कहते हैं, टेक्निकल की यही मदद है। ऐसे नहीं कि फिर पकड़ के बैठ जाए, जब तक बड़े चेंजेस ना हो तब तक ठीक है। चेंजेस होते हैं तो आपको भी बदलना पड़ेगा, मुझे भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो फिर ये मार्केट हमें बाहर कर देगा। तो ये बात हो गई गोल्ड के बारे में। बात कर लेता हूँ डॉलर टर्म के ऊपर। डॉलर टर्म में भी दोस्तों कल चर्चा करी थी कि 27,55 के ऊपर जो है वो बड़ी एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है। उसमें भी अगर आप देखो तो 28-47 लगभग लगभग 3.5% की तेजी एक दिन में आई, और ये 27-55 का लेवल जो है वो अब 3 बार हम ये वीक में चर्चा कर चुके हैं, 2 से 3 बार, कि ये लेवल के ऊपर जो है वो दोस्तों सावधान रहना, अगर काटता है तो थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है, पर कल हमने देख भी लिया।
ठीक है। ये सारे लेवल दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समय देना पड़ेगा, समय दोगे तो सब कुछ आसान है। तो 28 20 का एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं 28 50 का, 28 50 के ऊपर जाके रुकते हैं तो ये तेजी और आगे स्पीड से जा सकती है, ऐसा मेरा अभी चार्ट को देखकर मानना है। 28 20 के नीचे चलते तो टेम्पररी करेक्शन कर सकता है, जो भी करेक्शन खत्म करे नीचे जाए, लेकिन ये वाले लेवल के ऊपर अब ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ऊपर कटता है तो वापस से एक जो है वो बढ़िया मूव आने की उम्मीद है, उसके ऊपर दिन का बंद 2-3 घंटे रुकना जरूरी है। आके चला जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है, रुकना जरूरी है, ठीक है, वो लेवलों के आसपास। बात कर लेता हूँ डॉलर टर्म के ऊपर, डॉलर टर्म के अंदर गोल्ड के ऊपर अगर चर्चा कर लेते हैं तो अभी 2350 के आसपास चला है, तो 2375 का जो है वो एक रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं, बड़ा वाला रेजिस्टेंस। नज़दीक का जो है वो देखने जाए तो 50-55 है, उसके ऊपर बड़ा लेवल ये आता है 75, 75 के ऊपर नया दौर शुरू हो सकता है। सपोर्ट मैं आपको पोजिशनली बता देता हूँ, नज़दीक का सपोर्ट देखना चाहो तो 38 के आसपास है, 39 38, और बड़ा जो सपोर्ट है वो है 2305 के आसपास। जब तक अब 2305 होल्ड कर रहा है तब तक बड़ा वाला जो है वो इसको हम ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो 2305 से 2375 बड़ी रेंज है, रेंज के अंदर घूमता रहेगा, 75 के ऊपर निकाल के ले जाने की कोशिश करे तो वहां से और स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी गोल्ड के, डॉलर टर्म के ऊपर। क्रूड के बारे में बात कर लेता हूँ, क्रूड का और एनजी, एनजी के अंदर भी दोस्तों काफ़ी लंबी तेजी चल रही है, 195 आ रहा है, तो 195 यहाँ से आपको सपोर्ट पहले बता देता हूँ, 191 का एक सपोर्ट है। ऊपर की तरफ चलते तो 200 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मान सकते हो, उसके ऊपर चलता है तो और स्पीड बढ़ा सकता है, तो धीरे धीरे खिसकाते रहे। अब याद करो दोस्तों, लास्ट वीक में हमने 160 का लेवल चर्चा किया था, कहाँ 160 है और कहाँ ये है। लाइव क्लास के अंदर हमने इसकी चर्चा भी करी थी, हमें लाइव क्लास के अंदर कंफर्मेशन भी मिला था 164 165 के आसपास, कि यहाँ से कम एनजी में शॉर्ट नहीं बनता है, क्योंकि एक बढ़िया मूव तेजी की तरफ जा सकता है। तो वहां से देखो तो तकरीबन तकरीबन 30 पॉइंट जो है वो बढ़ चुका है, और बहुत ही कम समय में, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लगभग लगभग हफ्ते 7-8 दिन की ही बात है ये। चलिए अब ये हो गई एनजी की बात, क्रूड की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें सपोर्ट में ध्यान रखना, रेजिस्टेंस भी बता दिया आपको। क्रूड ऑयल जो है वो भी थोड़ा उछाल देने की कोशिश कर रहा है, कल बात करी थी, ऊपर की तरफ 6,640 के ऊपर जाए तो 6,770 का एक रेजिस्टेंस चर्चा किया था। तो अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, कल लगभग वही लेवल के आसपास हाई लगा के करेक्शन कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो आज अगर वो लेवल काटे, क्योंकि कल बात भी यही करी थी कि कोई ज़्यादा ऊपर जगह नहीं है, छोटी सी जगह है 20-30 पॉइंट की, और वहीं पर रुका है दोस्तों, तो कितनी बारीक जो है वो एनालिसिस आप कर सकते हो, ये मैं आपको मेन समझाना चाहता हूँ। गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन 80-90% चीज़ें जो है वो सही निकल जाती है, अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ठीक ठाक हो, अच्छी हो, आपने कर दिया हो थोड़ा सा काम। तो 6,540 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर उसके नीचे रुकने की कोशिश करते दिन का बंद आता है तब परेशान हो सकते हैं। 6,670 75 के ऊपर ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर लेवल आता है 6,725, 6,725 के ऊपर आता है 6,770, 70 के ऊपर निकल गया तो वापस से जो है वो थोड़ा सा तेज होगा। अभी इसको हम बाउंस कंसिडर कर रहे हैं, कोई रैली का जो है वो देखेंगे, लेकिन बाउंस भी आ रहा है तब भी हमें शॉर्ट वाली पोजिशनों में इसमें ये लेवलों के ऊपर 6,775 के ऊपर जाए तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है चार्ट देखकर। तो ये चर्चा हो गई दोस्तों पूरी आज की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना, पहली बार आए हो तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा हमने वीडियो के माध्यम से करी और लाइव क्लास में जो करते हैं दोस्तों, वहाँ पर ना कोई मैं बाय का रिकमेंडेशन देता हूँ ना सेल का, हम एक एनालिसिस करते हैं, हम एक ओपिनियन देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्त मिलते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि भाई मुझे ये लग रहा है, वो फिर दोस्त अपना ओपिनियन देता है कि ये लग रहा है, बस वैसे ही मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आप भी देखो और उसके कारणों भी, कारणों के बारे में भी चर्चा करते कि मुझे ऐसा लग रहा है तो उसके कारण क्या है, ये कारणों से ऐसा लग रहा है, फिर आपको भी वो ठीक लगे तो आपको जो इच्छा हो वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों अगले जो है वो वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी दोस्त जुड़े इसके लिए
सभी का धन्यवाद और नमस्कार।